हेलो। हाँ राजू भाई, जी जी बताइए भैया। कैसे हैं राजू भाई आप? एकदम ठीक, एकदम मस्त। अरे अरे आपके वीडियो बड़े देखते रहते हैं यूट्यूब पे, मजा है। अभी भी मैं आपका आजमगढ़ वाला वीडियो देख रहा था जी, जिसमें आप हॉस्पिटल को लेके जो गाली दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद भैया। और दिल्ली विल्ली कभी आना होता है आपका? अब हम 1 लाख मर्द जब मिल जाएंगे 1 रुपया देने वाले, तभी हाँ हो सकता है हम शहर छोड़ें। क्योंकि क्योंकि 10 साल हो गए सर ये सब करते हुए, और 4 साल सड़क पर, 5 बार जेल और अनगिनत बार अत्याचार। लेकिन जब तक ये 1 लाख मर्द नहीं मिलेंगे 1 रुपया महीना देने वाले, तब तक शहर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हाँ, और ठीक ठाक रिस्पांस करीब हमें लगता है 500-600 लोगों ने पैसा भेजा है। अच्छा न्यूनतम 1 रुपया चाहिए मुझे, न्यूनतम 1 रुपया। हाँ तो मतलब आप कोई वो चला रहे हैं क्या संस्था? मतलब पैसा पैसे पैसे से आप अकेला उसको उपयोग करते हैं या बाकी लोग आपके साथ? अभी तो मैं बताता नहीं हूँ, जो मर्द होगा वो देगा, कुछ पूछेगा नहीं। एक क्योंकि 10 साल हमने नहीं पूछा कुछ। बार ये लोगों को गाली देके बताओ, ये जो पॉलिटिशियन है गाली 2 सालों में चिल्ला के एक बार मजा आ जाए। इस देश के पॉलिटिशियन नहीं, इस देश की जनता ना मर्द है। गाली तो दो उनको, साले भोसड़ी है, विजड़े विजड़े बोलो नहीं, तो मजा आ जाए। जनता ना मर्द है, जनता, हम और आप। अरे हम तो आपको सपोर्ट करते हैं यार। अरे सपोर्ट करिए भाई, हम आप गलत हैं तो गलत हैं। हम ही नेता पैदा करते हैं, हम ही मीडिया पैदा करते हैं, हम अधिकारी पैदा करते हैं। जब हम आप गलत हैं तो वो साला सही कहाँ से होगा? सच्चाई को स्वीकार करिए। हमारे टैक्स के पैसों से सालों की तनख्वाह आ रही है आराम से, है ना? तो भाई हम हक नहीं ले पा रहे हैं, उनको हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम ना चूतियां हैं, हम ना नामर्द हैं। तो हमारी मार रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, कुत्ता बना दिए हमको। क्या करना पड़ेगा राजू भाई इससे उबरने के लिए? मर्द बनना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग ईमानदार भी हैं, लेकिन इतने बेमाने के कुछ ईमानदार भी बदनाम होते हैं। भाई एक ईमानदार बेचारा क्या करेगा, उसको उसको मार डालेंगे, मार दे रहे हैं। मतलब एक भी ईमानदार का कोई जाएगा भी ना, तो वो सिस्टम में दब के रह जाएगा। आज आपको अपना जीपीएफ से भी पैसा निकालना हो तो बाबू भी पैसा खाता कोई नहीं खाएगा। आप 1 साल बाद देखिएगा ना, माँ चोत के रख देंगे। आज यही बतिया, ये समझते सब यही बत अब हम ये चाहते हैं कि हमें चीज खुल के बताएं। क्यों बताएं भाई साहब? आप मुझे, ये देश मुझे सपोर्ट करे, माँ चोत देंगे साला। कोई मांग के दिखाते घुस? आज आजमगढ़ किसी की हैसियत नहीं है जो आज चलो राजीव तलवार से घुस मांग के दिखा दे। हाँ मैं जानता हूँ। एक बार मुझे ही पढ़ाई के लिए मेरी मम्मी ने जीपीएफ से पैसा निकाला था, तो मेरा जूदा झूठा शादी का कार्ड बनाना पड़ा। हाँ वही ना बाद उसने परसेंटेज खाया। भैया, जानते हम लोग, देखिए सिस्टम हमने सड़ाया है। हम देते हैं घूस, हम तैयार हैं देने के लिए। हमने पासपोर्ट बनवाया, पत्नी पत्नी का और अपना, हमने पैसा नहीं दिया। निकालेगा ही नहीं वो, निकालेगा ही नहीं। उसका बाप निकालेगा, मार चोट के रख देंगे। यार सर क्या बात करते हैं, हम कराएंगे काम इस देश का। हमको लोग दे, बेटा बेटा बनाना है, 10 रुपए हमको दे, हम काम ना फ्री में करा के दिखाए तो देखे। किसकी औकात है माधव चौधरी मांग लेगा घुस? यार इतनी उसकी माँ दूध पिलाई, मांग देगा भोसड़ी वाला राजीव तलवार से घुस? सही बोल रहे हो। धन्यवाद अब तो ऐसी कोई जरूरत नहीं हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगल।